वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ कैरेटिन की। कि कैरेटिन, जी हाँ, कैरेटिन हम अपने हेयर्स में कैसे कर सकते हैं, किसी और के हेयर्स में कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें, कितनी क्वांटिटी में आपको कैरेटिन लेनी है, कितनी क्वांटिटी में नहीं लेनी है कैरेटिन क्रीम, ये सारी चीजें मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है कि वीडियो को आप लोग जरूर पूरा पूरा देखेंगे। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी स्किप किया तो ये देखो केमिकल वर्क है, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी स्किप किया पार्ट को तो आपके हेयर्स खराब भी हो सकते हैं। तो इसलिए अपना पूरा अच्छे से वीडियो को देखें, समझें, उसके बाद बालों पर ट्राई करें गाइस। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, सो लेट्स गो गाइस। तो गाइस आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को कैरेटिन करने के लिए हेयर वॉश करने हैं, जिस तरीके से आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको हेयर वॉश करना दिखाया जा रहा है गाइस। इसी तरीके से बिल्कुल आपको जेंटली हैंड से हेयर वॉश करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही जेंटली हैंड से आपको मसाज देते हुए हेयर्स को वॉश करना है प्रॉपरली तरीके से। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको हेयर वॉश करने हैं। हेयर वॉश करने के बाद गाइस आप लोगों को अपने हेयर में ड्रायर करना है। बिल्कुल आपको अपने बालों को प्रॉपर तरीके से सुखा लेना है। जैसे मैम का हेयर वॉश हो जाएगा उसके बाद हम मैम के बालों में ड्रायर करेंगे गाइस, ठीक है। ड्रायर करने के बाद ही हमको कैरेटिन क्रीम को अप्लाई करना है। अब मैम के हेयर जो है वो वॉश हो गए हैं प्रॉपरली, आप देख सकते हैं। अब हम ये क्रीम है कैरेटिन की, जिससे हम कैरेटिन करेंगे, आप देख सकते हैं। इसको बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में लेना होता है टैल्कम की मदद से। और अब हम इसमें चार पार्टीशन करेंगे बालों का, चार पार्टीशन करेंगे टैल्कम की मदद से, जिस तरीके से आप लोगों को वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरीके से आपको फोर पार्टीशन कर लेने हैं। फोर पार्टीशन करने के बाद आप लोग देखना कि आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपको बहुत ही पतली पतली लेयर लेनी है, उनको कॉम करना है, देन उन पे बहुत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में कैरेटिन क्रीम अप्लाई करनी है, जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस तरीके से इतना इनफ होता है, रूट्स पे भी इसको थोड़ा सा, रूट से थोड़ा सा दूर रख करके इस तरीके से मसाज देते हुए, जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, इसी तरीके से आप लोगों को प्रॉपर मसाज देनी है हेयर्स को। आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको लेयर बाय लेयर लेनी है, उस पर क्रीम अप्लाई करनी है, देन मसाज करनी है, फिर आपको सेकेंड लेयर लेनी है। इस तरीके से ही बस आपको इतनी क्वांटिटी में ही क्रीम को अप्लाई करना है, देन इस तरीके से अच्छे से मसाज करनी है हेयर्स पे, ठीक है गाइस। अब इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि इसी तरीके से आपको करनी है कैरेटिन क्रीम अप्लाई हेयर्स पे, प्रॉपर कॉम करते रहना है, लेयर टू लेयर लेनी है, देन फिर से आपको कॉम करना है, फिर एक टेलकॉम की वजह से लेयर निकालनी है। अब आप देख सकते हैं मैम के थोड़े से पूछ से हेयर हो रहे थे तो हमने उनकी कटिंग, मैम के हेयर्स को एक घंटा रखने के बाद, 50 मिनट्स रखने के बाद हम इसमें प्रेसिंग मशीन से प्रेसिंग करेंगे, इसी तरीके से जैसे हमने अभी क्रीम अप्लाई करी थी, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप लोगों को फोर पार्टीशन कर लेने, और इसी तरीके से जिस तरीके से हम कैरेटिन क्रीम लगा रहे थे उसी तरीके से आपको लेयर लेनी है, देन उस पर प्रेसिंग मशीन 10 टाइम्स करनी है। अब आप लोगों को वीडियो में मैं दिखाती हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से 10 टाइम अप्लाई करनी है प्रेसिंग मशीन। आप देख सकते हो किस तरीके से अप्लाई हो रही है। इसी तरीके से आपको 10 टाइम्स अप्लाई करनी है अपने हेयर्स पे, या आप किसी की भी कैरेटिन करेंगे आपको इसी तरीके से अप्लाई करनी है,
ठीक है गाइज। अब हमारी एक लेयर हो गई है, अब हम सेकंड लेयर लेंगे। सेकंड लेयर को भी इसी तरीके से हमें अच्छे से प्रेसिंग करनी है। अब हम नेक साइड के पार्ट लेंगे। इसी तरीके से हमारे उस साइड के पार्ट सारे हो गए। अब हमने सेकंड वाले पार्ट्स को लिया है, अब उसको भी इसी तरीके से हम प्रेसिंग करेंगे अच्छे से। देख सकते हो आप किस तरीके से कर रहे हैं। इसका केमिकल गाइस बहुत हार्ड होता है, तो आप ध्यान दें कि आप जब भी इसको करें तो मास्क लगाएं, और जो करवा रहा है उसको भी ये सलाह दें कि आप मास्क लगाकर करें या फिर मुंह बांध लें, ताकि केमिकल से कोई हार्म ना हो इतना, क्योंकि इसका केमिकल बहुत हार्ड होता है, आईज में लगता है। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रेसिंग हो रही है। इस तरीके से ठीक है गाइस। अब आपको इन हेयर्स को कॉम करके पीछे की तरफ करते चलना है। फिर इस तरीके से आपको दोबारा कॉम करनी है, फिर नीचे कॉम करनी है, फिर एक और लेयर लेनी है। आपको पतली पतली लेयर लेनी है गाइस। ध्यान रहे, जितनी पतली लेयर होगी उतनी ही अच्छी शाइन आएगी, उतनी ही अच्छी कैरेटिन आपको रिजल्ट देगी। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हो कि मैम के हेयर्स कितने अच्छे हो गए हैं। हमने ये कैरेटिन के बाद आपको रिजल्ट दिखाया, वॉश के बाद तो इसका रिजल्ट और भी अच्छा आएगा, लेकिन ये जो हेयर्स है वो 72 आवर्स बाद वॉश होते हैं बेसिकली। ठीक है गाइस, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप देख सकते हो कि मैम के हेयर्स कितने शाइन कर रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हैं ना गाइस, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे है ना। तो आप भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मैम के हेयर्स कैसे लगे, कैरेटीन का रिजल्ट कैसा लगा। तो हे गाइस, आप लोगों ने देखा कि हमारी जो वीडियो है वो हो गई है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर मेरे YouTube चैनल पे अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के YouTube चैनल पे आप लोगों को मिल सके गाइस। और एक बात का ध्यान और रहे कि आपको जब तक 2 डेज कम्प्लीट ना हो जाए और आपके ये हेयर वॉश ना हो जाए, तब तक आप लोगों को अपने हेयर्स को कैरेटीन के बाद बिल्कुल सीधा रखना है, कहीं से भी कान के पीछे भी नहीं मोड़ना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखना, अदरवाइज वहीं पे बैंड पड़ जाएगा और वो फिर परमानेंट वैसे ही रहेंगे और फिर वो अजीब लगेगी। और स्वेट तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, अगर आपके हेयर्स में पसीना आता है तो वहीं से वो अपना प्रोडक्ट हट जाता है और फिर आपके बाल इस तरीके से कुछ घुंघराले होना शुरू हो जाते हैं गाइस। तो मिलते हैं और भी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।